नमस्कार दोस्तों, 13 अप्रैल साल 2029 1000 फीट से ज्यादा बड़ा एस्ट्रॉइड अपोफिस धरती के बहुत बहुत करीब से गुजरेगा। अगर ये धरती से टकरा जाता है तो ऐसी तबाही देखने को मिलेगी जैसी इंसानों के इतिहास में कभी ना देखी गई हो। हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 1 मिलियन गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। 100 मीटर ऊंची वेव्स उठेंगी सुनामी की और पूरे के पूरे शहरों का सफाया हो जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, 12 जुलाई साल 2038 को एक और एस्ट्रॉइड धरती से टकरा सकता है और इस पोस्ट को देखिए, इसके टकराने का 72% चांस है। नासा ने ऑलरेडी अलर्ट इशू कर दिया है और अपनी प्लैनेटरी डिफेंस एक्सरसाइज शुरू कर दी है। आगे इस पोस्ट को देखिए, सिर्फ कुछ ही हफ्ते पुरानी है। नासा के चीफ के बाद अब इसरो के चीफ ने वार्निंग दी है, हम सब एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। अरे बाप रे, एक अर्थ डिस्ट्रॉइंग एस्ट्रॉइड बड़ी तेजी से धरती के करीब बढ़ रहा है। इसरो चीफ का कहना है कि मार्स पर माइग्रेट करना एक ऑप्शन है और सारी ग्लोबल स्पेस एजेंसीज इस पर काम कर रही है। आखिर कितनी सच्चाई है इन खबरों में? एग्जैक्टली कौन कौन से सबसे खतरनाक एस्ट्रॉइड्स हैं धरती के लिए और नासा का यहाँ पर क्या प्लान चल रहा है? आइए समझते हैं इन सारी चीजों को गहराई से आज के इस वीडियो में। एस्ट्रॉइड्स को दोस्तों प्लैनेटॉइड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये छोटे प्लैनेट्स की तरह होते हैं। ये बेसिकली कुछ बड़े से पत्थर हैं जो स्पेस में घूम रहे हैं। साइज में ये कुछ 10-20 मीटर के भी हो सकते हैं और 100-200 किलोमीटर के भी हो सकते हैं। सबसे छोटा एस्ट्रॉइड जो एग्जिस्ट करता है वो है सिर्फ 2 मीटर चौड़ा और सबसे बड़ा है सेरेस नाम से, 940 किलोमीटर डायमीटर में। ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं, जहां पर मिलियंस में एस्ट्रॉइड्स मौजूद हैं। जो इस एस्ट्रॉइड बेल्ट की ड्राइंग की जाती है हमारी टेक्स्ट बुक्स में, वो कुछ इस तरीके से करी जाती है और इसे देखकर आपको लगता होगा कि एस्ट्रॉइड्स एक दूसरे के बगल में इतने सारे घूम रहे हैं, लेकिन असलियत में जो एवरेज डिस्टेंस है किन्हीं भी दो एस्ट्रॉइड्स के बीच में वो 1 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब होता क्या है, कई बार ये एस्ट्रॉइड्स इस बेल्ट से दूर निकल जाते हैं और धरती के करीब आ जाते हैं। ऐसे केस में हम इन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स करके पुकारते हैं, शॉर्ट में कहा जाए NEOs। अब NEOs सिर्फ एस्ट्रॉइड्स ही नहीं बल्कि कॉमेट्स भी हो सकते हैं, मीटियोर्स भी हो सकते हैं, मीटियोराइट्स और मीटियोरॉइड्स भी हो सकते हैं। आप पूछोगे फर्क क्या है इन सब में? अब देखो दोस्तों, होते ये सारे के सारे पत्थर के टुकड़े ही हैं जो स्पेस में उड़ रहे होते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम इन्हें डिफाइन करते हैं फर्क वहां पर आता है। जैसे कि एस्ट्रॉइड्स बने होते हैं पत्थर और मेटल के, कॉमेट्स बने होते हैं बर्फ, पत्थर और डस्ट के, इन्हें डर्टी स्नोबॉल्स भी कहा जाता है। एस्ट्रॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं, कॉमेट्स स्काइपर बेल्ट में पाए जाते हैं। ये बेल्ट नेप्ट्यून के आगे है और दूर है सोलर सिस्टम में। कॉमेट्स जब स्पेस में उड़कर जाते हैं तो उनके पीछे एक टेल सी दिखती है जो एस्ट्रॉइड्स में नहीं दिखती। टिपिकली कॉमेट्स का साइज भी काफी बड़ा हो सकता है, 1 से 10 किलोमीटर का हो सकता है, और जब भी कोई कॉमेट धरती के पास से गुजरता है उसे आसानी से देखा जा सकता है आंखों से, लेकिन एस्ट्रॉइड्स को देखने के लिए टेलीस्कोप्स की जरूरत पड़ती है मोस्ट केसेस में। हमारे लिए खतरे के मामले में एक कॉमेट कहीं ज्यादा खतरनाक है एस्ट्रॉइड से, क्योंकि पहली चीज कॉमेट की स्पीड दुगनी होती है एस्ट्रॉइड से, और दूसरी चीज वार्निंग टाइम कम होता है। कब कोई कॉमेट अचानक से आकर धरती पर इंपैक्ट कर जाए हमें ज्यादा टाइम पहले नहीं पता चलेगा अनफॉर्चुनेटली। इसी चीज को डोंट लुक अप फिल्म में भी दर्शाया गया था। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे 6 महीने का वार्निंग टाइम मिलता है कॉमेट आकर धरती से टकराने वाला है और गवर्नमेंट और स्पेस एजेंसीज कैसे रिएक्ट करती हैं उस चीज को लेकर। अब मीटियोरॉइड जो होता है वो एस्ट्रॉइड या कॉमेट का छोटा सा टुकड़ा होता है। जब कोई भी मीटियोरॉइड धरती के करीब आता है, हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो उस मीटियोरॉइड को हम मीटियोर बुलाते हैं। जब ये होता है तो बड़ी तेजी से वो बर्न कर जाता है और एक लाइट की स्ट्रीक हमें दिखती है, इसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं अगर आसमान में आपने कभी देखे हो तो। जब ये भारी संख्या में होता है तो इसे एक मीटियोर शावर कहा जाता है, और अगर कोई मीटियोर का टुकड़ा एटमॉस्फेयर को पार करके धरती पर एक्चुअली में आकर गिर जाता है तो उसे एक मीटियोराइट कहते हैं। बस इतना सा ही फर्क है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है वो है NEOs, जो एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स धरती के पास से गुजर रहे हैं, जिनकी वजह से हमें खतरा है कि वो धरती पर आकर क्रैश कर जाए और पूरी दुनिया खत्म हो जाए। ये खतरा वैसे जायज है क्योंकि आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले ऐसा हो चुका है डायनासोर्स के साथ। अगर वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। लेकिन इस खतरे को नापने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप अपनी न्यूज इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मौजूद ऐसे अकाउंट से लेते हो तो बेहतर यही होगा कि न्यूज फॉलो करना बंद कर दो, क्योंकि ये 2038 एस्ट्रॉइड स्ट्राइक वाली न्यूज कंप्लीटली फर्जी खबर है।
इंस्टाग्राम पर न्यूज के लिए अगर आपको कुछ पेजेस को फॉलो करना है तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, scroll.in, द वायर, न्यूज लॉन्ड्री, ढेर सारे ऑप्शंस हैं। इवन हमारी मेनस्ट्रीम न्यूज वेबसाइट्स, हालांकि इंडियन मीडिया का स्टैंडर्ड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इस लेवल के झूठ तो वहां कम से कम नहीं फैलाए जाते। क्योंकि देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस पर एक आर्टिकल लिखा है। हेडलाइन में लिखा है, नासा वॉन्ट्स दैट अ प्लैनेट साइज्ड एस्ट्रॉइड हैज अ 72% चांस ऑफ इंपैक्टिंग अर्थ। यह हेडलाइन गलत है, एक क्लिक बेटी हेडलाइन है। लेकिन थोड़ा सा नीचे अगर आप पहली लाइन पढ़ोगे आर्टिकल की, वहां पे इस बात को क्लियर कर दिया गया है। नासा रिसेंटली कंडक्टेड अ हाइपोथेटिकल एक्सरसाइज टू असेस प्लैनेट्स प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट एन एस्ट्रॉइड इंपैक्ट। असल में ये जो 72% चांस है, ये कोई फाइंडिंग या रिजल्ट नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिनेरियो है जो नासा ने खुद बनाया है। ये एक एक्सरसाइज कर रहे थे कि अगर आज हमको पता चला कि जुलाई 2038 में एक एस्ट्रॉइड धरती पर गिरने वाला है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। ये एक मॉक टेस्ट था जिसमें 100 से ज्यादा एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस से थे, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूके की स्पेस एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर्स। सबने इस बात पर चर्चा करी कि अगर एक एस्ट्रॉइड आज से 14 साल बाद धरती से आकर टकराएगा तो एग्जैक्टली हम क्या क्या कदम उठाएंगे उसे रोकने के लिए। 20 जून 2024 को नासा ने रिपोर्ट पब्लिक में रिलीज करी जिसमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताई गई हैं। उनकी बात वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 2029 की जो डेट थी, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी, वो वाली डेट हाइपोथेटिकल नहीं। 1000 फीट से ज्यादा बड़ा एपोफिस एस्ट्रॉइड सही में एग्जिस्ट करता है और ये एस्ट्रॉइड 13 अप्रैल 2029 को धरती के बहुत बहुत करीब से गुजरेगा, सिर्फ 30,000 किलोमीटर दूर। कई सारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से भी कम डिस्टेंस है। नासा ने एक ये वीडियो रिलीज किया था जिसमें एग्जैक्ट पाथ दिखा रखा है इस एपोफिस एस्ट्रॉइड का। आज से 5 साल बाद जिस दिन ये एस्ट्रॉइड धरती के बगल से गुजरेगा, आपको टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसे देखने के लिए, आप अपनी आंखों से सीधा इसे देख पाएंगे रात को। तो सवाल ये उठता है कि क्या चांस है कि ये एस्ट्रॉइड धरती से एक्चुअली में टकरा जाएगा। इसका जवाब है 0%। साल 2004 में जब इस एस्ट्रॉइड को पहली बार डिस्कवर किया गया था इंसानों के द्वारा, तो दुनिया भर में हल्ला मच गया था, क्योंकि जो पहली ऑब्जर्वेशंस करी गई थी उन्होंने कहा कि 2.7% चांस है कि एस्ट्रॉइड धरती से टकरा जाएगा 2029 में। अब वैसे तो 2.7% चांस को इतना बड़ा नहीं होता, इसका मतलब 97% चांस है कि ये नहीं टकराएगा, लेकिन जब खतरा इतना बड़ा हो तो 2% चांस भी बहुत डरावना होता है। इसलिए उन सालों में इस एस्ट्रॉइड को सिटी किलर, द मोस्ट डेंजरस एस्ट्रॉइड करके पुकारा जाता था। यहीं से ही इसका नाम पड़ा एपोफिस। एपोफिस इजिप्शियन माइथोलॉजी में एक बहुत बड़ा सा सांप है जो सब कुछ तबाह कर देता है। इसे गॉड ऑफ केओस करके भी पुकारा जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जब साइंटिस्ट ने और ऑब्जर्वेशंस करी इस एस्ट्रॉइड की, तो पता चला कि असलियत में इसके टकराने का 0% चांस है। कुछ साल बाद साइंटिस्ट को लगा था कि 2029 में नहीं, लेकिन जब ये दोबारा से धरती के पास आएगा तब खतरा बढ़ सकता है, जैसे कि 2036 या 2068 में। क्योंकि 2029 में जब ये धरती के बड़ी करीब से गुजरेगा तो ये एक की होल एरिया से गुजरेगा। स्पेस में की होल्स उन जगहों को कहा जाता है जो धरती के इतनी करीब हो जहां पर किसी एस्ट्रॉइड के आने से अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स का असर पड़ता है। जब 2029 में एस्ट्रॉइड धरती के इतनी करीब आएगा तो ये की होल रीजन से गुजरेगा, जिससे इसका ऑर्बिट बदल जाएगा। अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से इसका ऑर्बिट चेंज हो जाएगा, जिससे कि 2036 में खतरा ज्यादा है। ये डर लगा था साइंटिस्ट को एक टाइम पर, लेकिन आज के दिन ये खतरा भी नहीं है। नासा ने अब ये बड़े कॉन्फिडेंटली कहा है कि अगले 100 सालों में ये एस्ट्रॉइड कभी नहीं टकराएगा धरती से। इसी रीजन से अब इसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की रिस्क लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब आप बोलोगे, यार ये क्या है, रिस्क लिस्ट भी होती है? बिल्कुल होती है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज ने एक रिस्क लिस्ट बना रखी है कि सबसे खतरनाक एस्ट्रॉइड्स कौन से हैं आने वाले फ्यूचर में। जैसे कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की वेबसाइट पर इस रिस्क लिस्ट को देखिए, ये सारे एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स कब आकर टकरा सकते हैं, जो कि इंपैक्ट डेट और टाइम में लिखा है। क्या प्रोबेबिलिटी है इनके टकराने की, इस आईपी मैक्स के सेक्शन को देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लिखी गई है, और इससे पीछे वाले सेक्शन में डायमीटर लिखा गया है कि ये एस्ट्रॉइड या कॉमेट कितना बड़ा है। रिस्क लिस्ट में टॉप 3 सबसे खतरनाक एस्ट्रॉइड्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। नंबर 1 पर है 2023 VD3 एस्ट्रॉइड। ये जो 2023 है इसके नाम में, इससे हमें पता चलता है कि इस एस्ट्रॉइड को 2023 में डिस्कवर किया गया था। साइज में ये बहुत ही छोटा सा एस्ट्रॉइड है, सिर्फ 11 से 24 मीटर बड़ा है। धरती से ये टकरा सकता है 8 नवंबर साल 2034 को, और टकराने की प्रोबेबिलिटी है 1 in 387, यानी परसेंटेज में कहा जाए तो 0.25% चांस है इसका टकराने का। ये काफी बड़ा चांस है एक्चुअली में, यही कारण है कि इसे नंबर 1 पर रखा गया है लिस्ट में। लेकिन
क्योंकि इसका साइज काफी छोटा है, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। चांसेस यही है कि अगर ये धरती से टकराया भी तो ऐसी जगह पर गिरेगा जहां समुद्र हो या फिर ज्यादा लोग ना रहते हो, और उससे कोई डैमेज होगा नहीं। 2013 में एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जब रशिया के चेलियाबिंस्क शहर में चेलियाबिंस्क मीटियोर शहर के ऊपर ब्लास्ट कर गया था। It came out of nowhere, a bright speck in the sky, soon streaking across the horizon, followed by an almost apocalyptic scene, a blinding flash of light, and then all hell broke loose. उस मीटियोर का डायमीटर भी करीब 20 मीटर का था और एक बड़ी पावरफुल शॉक वेव जरूर रिलीज हुई थी। कुछ बिल्डिंगों पर डैमेज हुआ, कुछ लोग इंजर्ड हुए, लेकिन किसी भी इंसान की मौत नहीं हुई। Nearly 1,500 people were injured. Most of them suffered cuts from shattered windows. Risk list में number 2 पर है 1979 XB asteroid. ये size में काफी बड़ा है, 400 से 900 मीटर का इसका diameter है. Potentially आकर ये 12 December 2056 में टकराएगा और probability है इसके टकराने की 1 in 4.27 million. यानी कि 0.00002%. इतना कम chance है इसका टकराने का, लेकिन फिर भी ये risk list में number 2 पर इसलिए है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। इतना कम चांस भी हम नहीं ले सकते। नंबर 3 पर है एस्ट्रॉइड 2008 JL3। एस्टिमेटेड डायमीटर 23 से 50 मीटर के बीच में। पोटेंशियल इंपैक्ट डेट 1 मई 2027 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंपैक्ट 1 in 6711। ये होता है 0.01% चांस टकराने का। अब देख सकते हो कि ये सभी साइंटिस्ट जो इन सारी स्पेस एजेंसीज में काम कर रहे हैं, ये बहुत ही लाजवाब काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना छोटा रिस्क भी ये धरती के लिए नहीं लेना चाहते। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ वही एस्ट्रॉइड्स हैं जो हमने अभी तक डिस्कवर किए हैं। हो सकता है और एस्ट्रॉइड्स आने वाले टाइम में डिस्कवर हों, और कॉमेट्स जो होते हैं उनकी इतनी अच्छी कैलकुलेटेड ट्रेजेक्ट्री नहीं होती, यानी कि कॉमेट्स को लेकर हमें इतनी बड़ी वार्निंग विंडो नहीं मिल पाएगी। हो सकता है कल को हमने कोई नया कॉमेट डिस्कवर किया जो धरती से टकरा सकता है, और उसके लिए हमें सिर्फ 6-7 साल का समय मिल पाए। हमारे जो डिटेक्शन सिस्टम्स मौजूद हैं धरती पर, वो कई बार बड़े अच्छे से काम करते हैं, लेकिन कई बार इतना अच्छा काम नहीं भी करते हैं। 4 सबसे पॉपुलर डिटेक्शन के प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले है लीनियर, लिंकन नियर अर्थ एस्ट्रॉइड रिसर्च। इसे साल 1996 में शुरू किया गया था और ये यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स, नासा और MIT के बीच में कोलैबोरेशन है। ये 2 1 मीटर लंबे टेलीस्कोप्स और 1 आधा मीटर लंबे टेलीस्कोप का इस्तेमाल करता है और हर साल 10,000 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर करता है। आज के दिन जितने भी एस्ट्रॉइड्स ढूंढकर निकाले जा रहे हैं, उनमें से 65% सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट के द्वारा ढूंढे जा रहे हैं। दूसरा है CSS, कैटलिना स्काई सर्वे, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया 1998 में, जो 2 बड़े टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करता है। इसकी मेजरमेंट्स इतनी प्रिसाइज हैं कि साल 2008 में इन्होंने एक ऐसे एस्ट्रॉइड को ढूंढा जो सिर्फ 4 मीटर का था डायमीटर में, और एक्यूरेटली इन्होंने ये प्रिडिक्ट करके बता दिया कि एग्जैक्टली किस टाइम पर किस दिन ये एस्ट्रॉइड धरती पर गिरेगा और कहां गिरेगा एग्जैक्टली। 19 घंटे बाद इनकी प्रिडिक्शन के ये एस्ट्रॉइड जाकर नॉर्थ सूडान के रेगिस्तान में गिरा था, और वही जगह पर जहां इन्होंने प्रिडिक्ट किया था। तीसरा है पैन स्टार्स, पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप एंड रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम। ये पैसिफिक ओशन के बीच हवाई में मौजूद है और दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरास का ये इस्तेमाल करता है एस्ट्रॉइड्स को ढूंढने के लिए। जो इमेजेस ये सबसे बड़ा कैमरा कैप्चर करता है वो 1.4 बिलियन पिक्सल्स की होती हैं। और चौथा है एटलस, एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। ये भी हवाई में मौजूद है और साइंटिस्ट ने इसे एक फाइनल वार्निंग के तौर पर बनाया है। अगर बाकी सारे सिस्टम्स किसी एस्ट्रॉइड को नहीं ढूंढ पाए, गलती से कोई एस्ट्रॉइड बचकर निकल गया, तो ये वाला सिस्टम लास्ट मिनट वार्निंग देगा हमें एस्ट्रॉइड इंपैक्ट। हर रात ये सिस्टम पूरे आसमान को 2 बार स्कैन कर सकता है किसी भी खतरे के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारी धरती का ये डिफेंस सिस्टम काफी बढ़िया और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कई बारी चूक हो जाती है, जैसे कि कई बारी छोटे-छोटे मीटियोर्स अनडिटेक्टेड बचकर निकल जाते हैं और धरती पर इंपैक्ट करते हैं, जैसा कि फरवरी 2013 में चेलियाबिंस्क मीटियोर के साथ हुआ था। 20 मीटर का ये मीटियोर कोई भी सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाया टाइम पर। इसलिए ऐसे सिनेरियोस के लिए सिविल डिफेंस कंपोनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसकी बात करी है नासा ने अपने इस मॉक टेस्ट की रिपोर्ट के पेज नंबर 12 पर। अगर कोई छोटा सा एस्ट्रॉइड या मीटियोर आकर कहीं टकराने वाला है, तो बहुत जरूरी है कि सही टाइम पर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स को एक्टिवेट करा जाए। लेकिन तब क्या होगा अगर कोई बड़ा एस्ट्रॉइड आकर टकराने वाला हो? यहां 3 स्ट्रेटजीज हैं उससे डील करने के लिए। पहला काइनेटिक मेथड्स, दूसरा स्लो पुश एंड पुल मेथड्स, और तीसरा न्यूक्लियर मेथड्स। इन तीनों में से पहला काइनेटिक मेथड ही इकलौता तरीका है जिसे रियल लाइफ में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। इसमें हम एक स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं जो एस्ट्रॉइड को टक्कर मारकर उसका रास्ता बदल दे।
यानी कि उसका ऑर्बिट चेंज कर दे। बड़ा ही सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट 2 साल पहले किया गया था नासा के डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट में। 26 सितंबर 2022 170 मीटर बड़ा डायमॉर्फस एस्ट्रॉइड कहीं स्पेस में धरती से बहुत दूर मौजूद था और नासा के स्पेसक्राफ्ट ले जाकर उस पर क्रैश कराया गया। इस एस्ट्रॉइड से हमें कोई खतरा नहीं था, बस इसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया गया था ये देखने के लिए कि ऐसा करने से सही में एस्ट्रॉइड का ऑर्बिट बदलता है या नहीं बदलता। इस टकराव का वीडियो भी लिया गया जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके बाद जब नासा ने रिजल्ट देखा तो एक्चुअली में एस्ट्रॉइड का ऑर्बिट बदल गया था। यही सेम एक्सपेरिमेंट चाइना की नेशनल स्पेस एजेंसी भी अगले साल करने वाली है। 2025 में वो 31 मीटर बड़े एस्ट्रॉइड पर अपना एक स्पेसक्राफ्ट ले जाकर टकराएंगे और उसका पाथ बदलने की कोशिश करेंगे। दूसरा तरीका है स्लो पुश एंड पुल। इसमें हम धीरे धीरे करके एस्ट्रॉइड का ऑर्बिट बदलते हैं। इसके लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉइड के पास गया और सूरज की रेस को एस्ट्रॉइड पर कॉन्सेंट्रेट करके वेपराइज कर दिया एस्ट्रॉइड के एक हिस्से को। इस रिएक्शन के होने से थोड़ी बहुत गैस निकलेगी जिसकी वजह से एस्ट्रॉइड पर एक थोड़ा सा थ्रस्ट पड़ेगा और धीरे धीरे करके एस्ट्रॉइड अपना ऑर्बिट बदल लेगा। ये चीज नेचुरली भी एस्ट्रॉइड्स पर होती है जब कोई भी एस्ट्रॉइड सूरज के पास से गुजरता है, लेकिन जब स्पेसक्राफ्ट भेजकर ये किया जाएगा तो डर बस इस चीज का है कि जब वेपराइजेशन होगी उस पत्थर की जो एस्ट्रॉइड पर मौजूद है तो वो पत्थर कहीं ना कहीं स्पेसक्राफ्ट के ऑप्टिकल सिस्टम से ना इंटरफेयर कर दे। तीसरा है न्यूक्लियर मेथड। लिटरली एक न्यूक्लियर बॉम्ब भेजो स्पेसक्राफ्ट में और एस्ट्रॉइड को फोड़ डालो। सुनने में बड़ा फिल्मी लगता है लेकिन रियलिस्टिकली शायद ही इसका कभी इस्तेमाल किया जाए। 2 कारण है इसके पीछे। पहला तो ये कि न्यूक्लियर बॉम्ब का स्पेस में इस्तेमाल करने से बहुत सारी लीगल, इंटरनेशनल, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है, और दूसरा ये कि जब किसी एस्ट्रॉइड को फोड़ा जाएगा तो उसके टुकड़े चारों तरफ बिखरेंगे और हम नहीं जानते कि वो टुकड़े कौन सा ऑर्बिट फॉलो करेंगे। हो सकता है कि कोई टुकड़ा आकर धरती पर गिर जाए उसके फोड़ने की वजह से। लेकिन ये मेथड फिर भी अंडर कंसिडरेशन है क्योंकि अगर कोई एस्ट्रॉइड बहुत ही हद से ज्यादा बड़ा हुआ, जैसे कि अगर 10 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा हुआ एस्ट्रॉइड कोई साइज में, वही साइज जिसने डायनासोर्स को भी एक्सटिंक्ट किया था, तब बाकी और तरीके शायद इतना काम ना करे क्योंकि उस एस्ट्रॉइड का साइज ही अपने आप में इतना बड़ा है। जो मॉक टेस्ट नासा ने कुछ महीने पहले किया था उसमें इन्हीं सारी चीजों की बात करी गई थी, एग्जैक्टली कैसे डील किया जाए एक एस्ट्रॉइड से जो 14 साल बाद आकर धरती से टकराने वाला हो और जिसका चांस 72% हो। अच्छी खबर यह है कि 81% पार्टिसिपेंट्स जो इस मॉक एक्सपेरिमेंट में हिस्सा ले रहे थे उनका मानना था कि हम रेडी हैं ऐसे खतरे से डील करने के लिए। सिर्फ कुछ गैप्स हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने रेज किए ऐसे सिनेरियो को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, एक गैप बताया गया कि हमने अभी तक सिर्फ एक ही मेथड को ट्राई किया है, काइनेटिक मेथड। हमें आने वाले टाइम में इस काइनेटिक मेथड को और कई बार टेस्ट करना चाहिए ताकि इसकी श्योरिटी हमें मिल सके कि ये काम करेगा। ये 5वीं ऐसी मीटिंग थी जो ऐसी हाइपोथेटिकल एस्ट्रॉइड स्ट्राइक को डिस्कस करने के लिए करी गई थी। इससे पहले 2013, 14, 16 और 22 में भी ऐसी मीटिंग्स करी गई थी। इसे प्लैनेटरी डिफेंस इंटर एजेंसी टेबल टॉप एक्सरसाइज का नाम दिया गया और जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी में ये 100 के करीब एक्सपर्ट्स मिले थे। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि चिंता की कोई बात नहीं है। पहली चीज, अगले 100 सालों में कोई भी ऐसा बड़ा एस्ट्रॉइड नहीं है जिसकी 0.01% भी पॉसिबिलिटी हो धरती से टकराने की। दूसरी चीज, हमारी धरती के डिफेंस सिस्टम्स टाइम के साथ साथ और एडवांस्ड बनते जा रहे हैं। साल 2028 में नासा एक स्पेस टेलीस्कोप भी लॉन्च करेगा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वेयर नाम से। ये धरती के बाहर रहकर ऐसे एस्ट्रॉइड्स को डिटेक्ट करेगा तो और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे हमारे डिटेक्शन सिस्टम्स। और तीसरी चीज, अगर कोई ऐसा एस्ट्रॉइड हमें मिल भी जाए जो धरती से आकर टकरा सकता है तो उसे रोकने के सिस्टम्स भी हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो इन फर्जी खबरों पर यकीन करना बंद कीजिए और अगर आपको स्पेस के टॉपिक में दिलचस्पी है तो बहुत से और वीडियोस बनाए हैं मैंने स्पेस पर पहले। एक पूरी प्लेलिस्ट है, यहां क्लिक करके आप देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला वीडियो जो वॉर्म होल्स के ऊपर है, कैसे वॉर्म होल्स के जरिए इंटरस्टेलर टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है, यहां क्लिक करके देख सकते हैं।